रहे हैं। पद्मी आज शहीद दिवस पर पार्टियों सामाजिक संस्थाओं ने तीनों वीर शहीदों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की। उन वीरों के कर कमलों पर चलने एवं अंग्रेजों के द्वारा भारतवासियों पर अत्याचारों की निंदा की। वहीं भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार गोस्वामी के नेतृत्व में खेकड़ा पार्टी कार्यालय पर वीर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव सिंह को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हमारे देश की राजनीति यह भूल गई कि उन वीर सपूतों ने अपना घर परिवार त्याग कर अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर भारत को आजाद कराने में अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वहीं उनकी शहादत को भुलाया नहीं जा सकता और उन्होंने कहा कि देश की सरकार इन वीरों को शहीद का दर्जा नहीं दिला पाई, यह दुर्भाग्य की बात है। भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी भारत सरकार और राज्य सरकार से पत्र भेजकर तीनों वीर शहीदों की शहीद का दर्जा दिलाने की मांग करती है, वरना भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी आंदोलन पर उतारू होगी। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम आज वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। मैं मानता हूँ एक प्यार का दिन है, प्यार भाई बहन में, माँ बाप में, सब में होता है, वो कभी किसी कोई रूप नहीं होता और वो किसी भी दिन पर डे हो सकता है, कोई इसी बात नहीं। लेकिन 14 ही दिन का हमने दिन योजना इन महान क्रांतिकारियों ने 14 फरवरी को उनको फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन हम लोग अंग्रेजों के और क्रिश्चनों के उस त्यौहार को मनाते आ रहे हैं 14 फरवरी को और अपने शहीदों की बातों को भूलते जा रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को भूले रहे हैं। और आज 24 मार्च 1931 को इनको फांसी सुनाई गई थी, जो कि 23 मार्च 1931 को ही एक दिन पहले इन महान क्रांतिकारियों को फांसी की सजा फांसी दे दी गई। तो कितने दुर्भाग्य की बात है, क्या ये आतंकवादी थे?